पीछे कार्ट लगा हुआ होता है और हॉर्स और डोंकी उसको लेते हुए जाते हैं, है ना? Yes. Next is goat. 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 Yes. Goat का मिल्क भी होता है, आपको पता है ना? जैसे काउ का मिल्क होता है, बफेलो का मिल्क होता है, वैसे ही goat का भी मिल्क हमें यूजफुल होता है, है ना? Yes. Next is sheep. 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 Sheep is also very helpful to us. अभी विंटर की सीजन आएगी, है ना? तो हम गरम गरम कपड़े पहनेंगे, है ना? तो शीप से हमें बहुत सारी चीजें यूजफुल है, गर्म कपड़े. यस, उसका वुल, उससे वुल से हमारे गर्म कपड़े भी बनते हैं. यस. कैमल. CAMEL. कैमल इज वेरी यूजफुल एनिमल. कैमल डेजर्ट में यूज होता है, क्योंकि डेजर्ट में हम जल नहीं पाएंगे, तो वहां पर कैमल बहुत यूजफुल है, क्योंकि उसके पैर है वो इस तरह से उसकी गॉड ने क्रिएशन की है, जिससे उसको डेजर्ट में यानी रेत में चलने में इजी होता है. यस. नेक्स्ट इज रैबिट. RABBIT. Rabbit. Yes. And next is cow. 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 Cow से हमें मिल्क मिलता है, जिससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, क्रीम, पनीर, बटर मिल्क, कर्ड, बहुत सारी, है ना? तो ये जो सारे हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प भी करते हैं, हमें इनसे फूड भी मिलता है. Yes, students, now here are practice time on page number 47. Okay, paste stickers of domestic animals in the farm at correct place. Okay, at correct places. Here is our animal farm. But students, where is our animals? Where are our animals? My animals kahan hai? Yes, they are at the back side of our textbook. So, aapko apni textbook ke piche ye jo animals ke naam diye gaye hain, uske naam ke hisab se aapko stickers yahan par stick karne hain. Okay, so this is your fun work. Yes, students, today we have learned about domestic animals. So, you all have to remember their names. Okay, beta? And you also have